अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर जो है हम सुबह सुबह 6 बजे उठ चुके हैं, कपड़े प्रेस रात को ही कर लिए थे क्योंकि आज मुझे सियालकोट जाना था, अपनी बहन का बेटा देखने जाना था और भाई की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। कुछ अर्सा पहले जब मैं दुबई में थी तो उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनका मुझे पूछना था। सब बहन भाई सियालकोट में होते हैं तो क्योंकि मैं खुद भी सियालकोट से हूँ तो आज मुझे सुबह सुबह बहुत खुशी भी हो रही थी और अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ पर देखें रेडी हो चुके हैं, हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं और पीछे आप देख सकते हैं रूम में बहुत ज़्यादा सुबह सुबह गंद पड़ा हुआ है क्योंकि सब यही रेडी हो रहे थे, बच्चे भी मेरे पास ही आ गए थे। सो इसको इग्नोर करें आप। जी जनाब, तो सब लोग रेडी हो गए, बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइम लगा पीछे फ़ौरन बच्चों के, जल्दी कर लो जल्दी कर लो जल्दी कर लो क्योंकि शाम को हमें वापस आना था। तो ये हम अपनी कॉलोनी के गेट से बाहर निकल रहे हैं और देखें सुबह सुबह का टाइम है, कोई इतना रश नहीं था। तकरीबन 7, 7:15 का टाइम है जब हम निकले हैं, तो क्योंकि जाते हुए भी हमें 11-12 बज जाएंगे, पहुँचते हुए काफ़ी दूर का सफ़र था और शाम में वापस भी आना था। सो इसलिए मैंने यही रात में सबके कपड़े प्रेस करवा लिए थे कि सुबह जो है ना टाइम से हम लोग निकलें और कल शाम में हम लोग टाइम से वापस आ जाएं, तो इस तरह सही रहेगा। यहाँ पर हम पहुँच गए काला शाह काकू, जो लोग पाकिस्तान से हैं उनको तो पता होगा यहाँ से जब हमने काला शाह काकू क्रॉस किया तो उसके बाद जो है वो सियालकोट मोटरवे जो न्यू बनी है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग बाहर बाहर से जीटी रोड से नहीं गए, हम लोगों ने मोटरवे को प्रेफर किया क्योंकि यहाँ से एक तो आसान है, रास्ता बहुत ईजी है और दूसरा जो है कम्फर्टेबल है, और थर्ड ये भी था कि वापस जल्दी आना था। तो ये देखें ये सियालकोट की तरफ जो है ना वो अब हमने गाड़ी अपनी कर ली है सीधी, अब यहाँ से सीधे सीधे हम पहुँचेंगे सियालकोट इंशाल्लाह, यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। 1 या 1.5 घंटे का सफ़र रह गया होगा और पीछे से हम 1 से 1.5 घंटे का कर आए हैं। तो पाकिस्तान में सफ़र करने के भी एक अपने ही मज़ा, एक अपनी ही अलग बात है। बस यहाँ पे आके ना ये जो चीज़ें हैं ना, जब बंदा परदेश में जाता है तो ये बहुत याद आती हैं, और खैर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा आती हैं। और यहाँ जी हमने सियालकोट का जो मोटरवे का टूल प्लाजा था वो क्रॉस किया है और उसके बाद जो है मोटरवे से नीचे उतरे और अब हम सियालकोट के बिल्कुल करीब के ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, वो सारी बचपन की यादें, पुरानी यादें। मैं खैर जब भी सियालकोट आती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जब सारी मैं वो फसलें, सारी ग्रीनरी देखती हूँ तो अपना एक बचपन याद आता है कि कैसे हम यहाँ पे रहते थे, क्या करते थे। देखें इंसान को पता ही नहीं होता कि उसने कहाँ से कहाँ चले जाना है। और ये हम हो गए सियालकोट में, एंटर बाबे सियालकोट। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है मुझे ये गेट, जब मैं इससे एंटर होती हूँ मेरी फीलिंग्स ही कुछ और होती हैं। और ये है मेरा छोटू सा क्यूटू सा भांजा जिसको स्पेशली देखने के लिए मैं यहाँ पे आई थी। अभी हम पहुँचे, खाना शाना खाया, उसके बाद मैंने रेस्ट की और इतना ये क्यूट है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। और हाथ देखे इसके कितने प्यारे छोटे छोटे से, इतना क्यूटू सा है छोटू सा, माशाल्लाह अल्लाह ताला हर बुरी नज़र से बचाए, आमीन। और यहाँ पे हमारी शाम की चाय आ चुकी है, शाम यहाँ पे हो चुकी थी, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, सबसे मिले, सब बहनें थीं, सब माशाल्लाह भाई थे, बहुत मज़ा आया। और अब जो है हमारा वापसी का सफ़र होने वाला शुरू, तो उससे पहले हमने कहा एक कप चाय भी लें ताकि ज़रा एक्टिव हो के जाएँ। और ये जैसे ही हम सियालकोट से बाहर निकलने लगे तो मुझे फूलों वाली शॉप नज़र आ गई और यहाँ पर जो है ना बस मेरा दिल रुक गया। मैंने कहा कि मुझे यहाँ से गजरे चाहिए, 2 दिन हो गए मुझे पाकिस्तान आए हुए, मुझे गजरे नहीं मिले अभी तक, क्योंकि मैं जब जाती थी ना फैसलाबाद तो वहाँ पे एक ही भाई था, छोटा सा लड़का था जिससे मैं लिया करती थी, बहुत प्यारे गजरे उसके पास होते हैं, तो इनसे मैंने बनवाए। लेकिन ये देखें कि इनसे, एक तो मैंने इनको कहा था बंद ना करें, एक इनको उस तरह से बनाने नहीं आए जिस तरह गजरे में पहनती थी,
तो मैंने ऐसे ही इनको बाजू पे रख लिया। मुझे मैंने कहा अच्छा मैं गाड़ी के डैशबोर्ड पे मैं ज़्यादातर रखती हूँ, ये मैंने बंद नहीं किए थे, ये मैंने ऐसे ही रख लिए, मुझे अच्छे लग रहे थे ऐसे ही। तो मैंने कहा बस ठीक है इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, अब घर जा के जो ऐसे डैशबोर्ड पे रखूँगी कल को नहीं लूँगी। और यहाँ पर देखें जी, हमने सियालकोट वाली पूरी मोटरवे क्रॉस कर ली है, लेकिन अब जो है वो थकन बुरी तरह से फ़ील हो रही है, क्योंकि सुबह एक्साइटमेंट में गए, खुशी से गए, तब कोई थकन फील नहीं हुई, सारा दिन रहे, टाइम स्पेंड किया, तब कोई थकन फील नहीं हुई। लेकिन अब जैसे ही वापसी के लिए निकले हैं, अभी जब ये काला शा काकू क्रॉस कर रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि यार अभी भी इतना सफ़र पड़ा हुआ है, मतलब क्या है, कब तक घर पहुंचेंगे। तो जब हम जाते हैं तब फीलिंग्स कुछ और होती हैं, और जब वापस आ रहे होते हैं ना तब फीलिंग्स कुछ और होती हैं। और फूल जो हैं वो मैंने अपने सामने डैशबोर्ड पे रख लिए थे हमेशा की तरह। जब मैं पहले भी पाकिस्तान में थी तो मैं ऐसे ही करती थी, मैं गजरे लेती थी, फ्लावर्स लेती थी, जो भी लेती थी ना, मतलब अपने सामने डैशबोर्ड पे गाड़ी पे हमेशा रख लेती थी। और यहाँ पर देखें हल्की हल्की बारिश होना स्टार्ट हो गई है, इतनी अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। और ऐसे ही सफ़र करते 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 इतना लंबा, ये देखें हम बिल्कुल फैसलाबाद के पहुँच चुके हैं, सफ़र हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आपको यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये देखें ये हम फैसलाबाद में हो गए एंटर बस अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ घर पहुँच के बच्चों को एक दफ़ा फिर से भूख लग चुकी थी, और मैंने इनसे कहा क्या खाना है, ड्रामा चल रहा था, लिविंग में सब आके बैठ गए। और यहाँ पर फिर मैंने KFC ऑर्डर किया आधी रात को, और क्या मिल सकता था, मतलब यहाँ रात के तकरीबन 11 बजे का टाइम हो चुका था। मैंने कहा आ जाओ सब, क्योंकि इतनी नींद आ रही थी, सबको इतनी नींद आ रही थी। तो मैंने फ़ौरन से फिर जो है मैंने कुलसुम को कहा कि बर्तन लगाओ, और सब खा के तो लेट जाते हैं, बस काफ़ी टाइम हो चुका था। और यहाँ पर तो अब बस हो गई है, अब रात की ये लास्ट चाय है जो हमने पीनी है, मैंने और मायदा ने, और जाके सो जाना है। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आज पूरा दिन बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह। तो अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।